हमारी पिछली रिपोर्ट में हमारे एक दर्शक ने हमसे कमेंट करके ये पूछा था कि क्या पुराणों में पहले ही कोरोना का जिक्र है। कृपया हमें ये बताइए। अपने इस दर्शक के कमेंट को पढ़ने के बाद हमने 2 दिन तक इस पर अध्ययन किया और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पुराणों में कोरोना वायरस जैसा कोई भी शब्द है ही नहीं। जी हाँ, पुराणों में कोरोना वायरस जैसा कोई शब्द नहीं है। लेकिन इस अध्ययन के दौरान हमें ये भी पता चला कि अगर दुनिया भर के लोग सनातन धर्म को मानते तो इस तरीके का कोई भी विषाणु यानी वायरस कभी फैलता ही नहीं। जी हाँ, आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के लोग अगर सनातन धर्म को मानने वाले होते तो ऐसा कोई भी विषाणु क्यों मानव जाति पर हावी हो ही नहीं सकता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये वायरस मनुष्यों में मांस का सेवन करने से हुआ। वहीं हिंदुत्व यानी सनातन धर्म मांसाहार की इजाजत देता ही नहीं है। जी हाँ, वेदों और पुराणों को पढ़ने के बाद हमने देखा कि अथर्व वेद ये साफ साफ कहता है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं, जो गर्भ से उत्पन्न हुए किसी भी रचना का सेवन किसी भी रूप में करते हैं, उस मनुष्य की बुरी आदत का नाश करना चाहिए। अथर्ववेद में ये भी लिखा है कि वो लोग जो नर और मादा, भ्रूण और अंडे के नाश से उपलब्ध हुआ मांस कच्चा या पका कर खाते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। वहीं मांसाहार पर यजुर्वेद कहता है कि हे मनुष्य, पशु ना मारने के योग्य हैं, पशुओं की रक्षा करो। वेद ही नहीं, पुराण और सनातन धर्म से जुड़ी अन्य किताबें भी मांसाहार की इजाजत नहीं देती। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी मनुष्य मांस का सेवन करता है वो रोगी व दुखी रहता है। जी हाँ, गीता कहती है कि मांस इंसानों का खाना नहीं है बल्कि राक्षसों का भोजन है। मांस का सेवन करने वाले मनुष्य रोगी व दुखी रहते हैं। हो भी यही रहा है, जीव जंतुओं का कच्चा मांस खाने के बाद आज कुछ लोगों की गलती पूरी दुनिया भुगत रही है। इसका अंजाम पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि अगर सनातन धर्म को माना गया होता तो ऐसा कोई वायरस, ऐसा कोई विषाणु मानव जाति पर हावी हो ही नहीं सकता था। इतना ही नहीं, ये तो आप सब जानते हैं कि इस विषाणु को फैलने से रोकने के लिए ये कहा जा रहा है कि आप किसी से हाथ ना मिलाएं, दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्कार करें। वहीं सनातन धर्म तो ये युगों पहले ही कह चुका था। सनातन धर्म में तो किसी का अभिनंदन करने का एकमात्र रास्ता, एकमात्र तरीका दोनों हाथों को जोड़कर श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना ही है। इस वायरस से बचने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि अपने हाथों को साफ रखें। बता दें कि पुराणों में महापुराण कहलाए जाने वाली गरुड़ पुराण में ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अस्वच्छ रहता है वो नर्क में पड़ता है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस भी मनुष्य के हाथ और पांव साफ नहीं रहते वो मनुष्य उम्र भर बीमारियों से घिरा रहता है। यहाँ भी ये साबित होता है कि सनातन धर्म का ज्ञान अगर दुनिया ने माना होता तो ये विषाणु मानव जाति पर हावी कतई नहीं हो सकता था। लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सनातन धर्म ना केवल एक धर्म है अपितु मनुष्य जाति का रक्षक भी है। अब इस रिपोर्ट के अंत में हम ये कहेंगे कि हमारी पूरी टीम हमेशा कथा सागर परिवार के सदस्यों के लिए बेहतर जानकारी और ज्ञान वर्धक रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करती है। हम आभारी हैं हमारी दर्शक निमिषा सिंह के, जिनकी जिज्ञासा के कारण हमें इस रिपोर्ट को तैयार करने की प्रेरणा मिली। निमिषा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को अपने धर्म पर गर्व करने का एक और कारण देने के लिए
अब दीजिए इजाजत, अगली रिपोर्ट में हाजिर होंगे फिर किसी सवाल के जवाब के साथ, फिर किसी कथा के साथ। आप सब सुरक्षित रहिए। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।